नमस्कार, बोल के लिए आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा और आज बोल में मैं आपके सामने एक नहीं दोस्तों दो दो मुद्दे ला रहा हूं। मुद्दा नंबर एक, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के जो जरूरी मुद्दे हैं उसके प्रति कोई जवाबदेही है? क्योंकि SIT की रिपोर्ट आ गई है और उसमें साफ है कि किसानों की जानबूझकर हत्या की गई थी साजिश के तहत और उनके अपने मंत्री अजय मिश्रा घिरे हुए हैं। प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर खामोश क्यों? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं अपने मंत्री पर? मुद्दा नंबर दो आपके स्क्रीन पर, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, कोरोना का एक दूसरा वेरिएंट इस वक्त सामने है, ओमिक्रॉन। उसने ब्रिटेन में हाहाकार मचा कर रखा है। भारत के अंदर अब तक सिर्फ 60 केसेस सामने उभर कर आए हैं। हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि क्या भारत सरकार ओमिक्रॉन के खतरे को जो है हल्के में ले रही है? जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल क्लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी है। मगर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल। प्रधानमंत्री, अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिन 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था उस पर आप खामोश हैं। लखीमपुर खीरी में आपके अपने मंत्री का बेटा मोनू मिश्रा, आपके अपने मंत्री अजय मिश्रा, मोनू मिश्रा तो गिरफ्त में हैं और शायद पुलिस उसकी अच्छे से सेवा भी कर रही है जेल के अंदर, मगर अब तक अजय मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं है। लगातार विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है मगर आप कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। सबसे दुख की बात यह है कि पिछले करीब 14 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री कहां है इस वक्त? प्रधानमंत्री इस वक्त जो हैं, हालांकि इस वक्त वो दिल्ली वापस आ गए हैं, मगर पिछले 13 दिनों में उनका पूरा ध्यान बनारस पर था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर था। और ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान जो है वो धर्म कर्म के कार्यों पर, नहीं, उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बहाने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वोटों की गिनती को लिफ्ट कराया जाए। वो अदनान सामी का गाना है ना, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी थोड़ी सी लिफ्ट में लगे हुए हैं। मगर मुद्दा यह है दोस्तों कि देश के सामने जो मुद्दे हैं उसकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। सबसे शॉकिंग है अजय मिश्रा टेनी पर उनकी खामोशी, और सबसे शॉकिंग है उस मुद्दे पर उनके गृहमंत्री अमित शाह का इन एक्शन। जी हां, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। आपको याद होगा अमित शाह जो है वो चुनावी रैली करते हैं और उनकी चुनावी रैली में मंच पर उनके साथ अजय मिश्रा दिखाई देते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों प्रधानमंत्री, क्यों क्यों आपकी खामोशी बनी हुई है? विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है और आज संसद में राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें मुद्दों पर बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये तो अप्रत्याशित है, आखिर क्यों? लखीमपुर खेरी सर, They're not allowing us to speak. That's why the house is being disrupted. Because हमने कहा कि ये जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहते। सर, आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? Okay. और कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुद्दे पर खामोशी और कई जरूरी मुद्दों पर खामोशी पर सवाल किए के क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। जिन चीजों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है, और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती, तो ये सही तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं,
कितने दिन से नहीं आए? एक दिन तेरह दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि बीजेपी जो एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़े, जेपी नड्डा अपना ध्यान पूरा उसमें लगाएं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता होनी चाहिए देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं वो। उनके सामने जो है चुनौती होती है कि एक संसद और उस संसद की जो मर्यादाएं हैं, उस मर्यादा की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ध्यान नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट उनके अपने मंत्री पर सवाल उठा रही है, उस पर प्रधानमंत्री का कोई ध्यान नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री को तो अजय मिश्रा टेनी को बहुत पहले अपने मंत्रिमंडल से निकाल देना चाहिए था। आपको याद हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एफआईआर में उनका नाम था कि उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर साजिश रची किसानों की हत्या में। यह तो उनकी उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर कह रही है ना, क्या आप उससे मुंह मोड़ सकते हैं? और प्रधानमंत्री इन मुद्दों से पूरी तरह से नदारद हैं। इस बीच दोस्तों आपके सामने चुनौती जो है वो ओमिक्रॉन की है। मैं अपने तमाम मंचों पर दोस्तों ओमिक्रॉन की चुनौती आपके सामने पेश करते रहता हूं और मैं लगातार खुद से कहते रहता हूं कि उम्मीद है कि जो मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं या इस मंच के जरिए न्यूज क्लिक आपके सामने बार बार जो चेतावनी पेश करता है, उम्मीद है ओमिक्रॉन उतना खतरनाक साबित ना हो। मगर आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य बताऊंगा जो आपको चिंतित करने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने यह है भारत की खबर। यह खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर? नवभारत टाइम्स की खबर कहती है कि ओमिक्रॉन का जो विकराल रूप हम भारत में देखेंगे जनवरी और फरवरी में। यह है नवभारत टाइम्स की खबर। खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण दहशत का माहौल है। दक्षिण अफ्रीका से लेकर ब्रिटेन तक में ओमिक्रॉन के नए केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच भारत में जनवरी फरवरी में इस नए वेरिएंट के मामले बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन के मामले में इस दौरान डेल्टा वेरिएंट से भी तेजी से फैल सकता है। डेल्टा से भी तेजी से फैलेगा ओमिक्रॉन। दो चीजें, भारत में ओमिक्रॉन अपना कहर बताएगा जनवरी और फरवरी में, और दूसरी बात डेल्टा वेरिएंट जिससे कोरोना की दूसरी लहर में हाहाकार मचा हुआ था उसको लेकर जो है उससे भी ज्यादा तेजी से आएगा ओमिक्रॉन। और कोरोना की दूसरी लहर में आप सब जानते हैं कि देश की क्या हालत हुई थी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत सरकार इसके लिए तैयार है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का ध्यान इस मुद्दे की तरफ है या आपका ध्यान सिर्फ इस बात को लेकर है कि हमें उत्तर प्रदेश चुनावों में कैसे चुनाव जीतने हैं? हालांकि रिपोर्ट क्या कहती है इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने साथ ही कहा कि ओमिक्रॉन का संक्रमण ज्यादा गंभीर नहीं है। इस वक्त ओमिक्रॉन का संक्रमण ज्यादा गंभीर नहीं है, मगर आगे जाके ये वायरस किस तरह से खुद को म्यूटेट करेगा, किस तरह की तब्दीलियां आएगी भारत में, इसके प्रवेश के बाद क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, वो आप और हम तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार इस मुद्दे को लेकर चेतावनी दे रहा है। आपके सामने दोस्तों यह है सीएनबीसी की खबर जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ओमिक्रॉन इज स्प्रेडिंग फास्टर देन एनी अदर कोविड वेरियंट, WHO वॉर्न्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस बात की चेतावनी दे रहा है कि जो ओमिक्रॉन है वो बाकी तमाम वेरिएंट से बहुत कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तीन बिंदु सीएनबीसी की रिपोर्ट क्या कह रही है, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। ओमिक्रॉन इज स्प्रेडिंग एट अ रेट वी हैव नॉट सीन विद एनी अदर प्रीवियस वेरिएंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनोहम कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन जिस तेजी से फैल रहा है हमने इससे पहले कोरोना के किसी वेरियंट को नहीं देखा। चिंता की बात। दूसरी बात, द रियालिटी इज दैट ओमिक्रॉन इज प्रॉबली इन मोस्ट कंट्रीज इवन इफ इट हैजंट बीन डिटेक्टेड येट। क्या कह रहे हैं WHO के महासचिव? वो ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन उन देशों में भी है जहां इससे पहले वो नहीं देखा गया था। आगे
Tedros said vaccinations alone will not protect against Omicron. He called for countries to use masks, social distancing, proper ventilation and hand hygiene to prevent contagion. Tedros एक और चेतावनी दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन से कुछ नहीं होने वाला है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लगातार मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी बनाए रखें. इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ ना बनाएं और लगातार अपना हाथ जो है धोते रहें. आप उन तमाम चुनावी रैलियों पर निगाह डालें दोस्तों जो उत्तर प्रदेश से पहले हो रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही हो, चाहे अखिलेश यादव की रोड शोज हो रहे हो. मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इनमें कहां है सोशल डिस्टेंसिंग, इनमें कहां है शारीरिक दूरी? क्या इस सरकार का, क्या हमारे राजनेताओं का ध्यान ओमिक्रॉन को लेकर है या नहीं है, आप मुझे बताइए. और भारत को लेकर क्या खबरें आ रही हैं, बहुत चिंताजनक है. दैनिक भास्कर की खबर देखिए, इंदौर में कोरोना ब्लास्ट, 13 पॉजिटिव. मध्य प्रदेश में 20 नए केसेस. भोपाल में 4, रतलाम में मिले मरीज की बस में ट्रैवल हिस्ट्री, शादी भी अटेंड की. दुख की बात यह है दोस्तों कि लोग शादियां अटेंड कर रहे हैं, शादियां अटेंड कर रहे हैं दोस्तों. और आप जानते हैं कोरोना की दूसरी लहर में, कम से कम मैं आपको मध्य प्रदेश की बात बता सकता हूं, मेरे कई रिश्तेदारों की मौत हुई थी दोस्तों. और उनमें से कम मैं आपको अपने 4 रिश्तेदारों की बात बता सकता हूं जिन्होंने एक धार्मिक आयोजन अटेंड किया था, भागवत की कथा को अटेंड किया था, और वहीं पर एक व्यक्ति को इन्फेक्शन था. मेरे 3 रिश्तेदार थे, तीनों की बाद में मौत हो गई. यही नहीं, भागवत कथा कराने वाले पंडित जी की भी वहीं मौत हो गई. बहुत जरूरी है कि आम इंसान होने के नाते आप ध्यान रखें, क्योंकि एक और जो खबर मैं आपको बतलाने वाला हूं दैनिक भास्कर की, वो बहुत चिंतित करने वाली बात है. विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी दे चुका है कि वैक्सीन का असर ओमिक्रॉन पर शायद न हो. ये देखिए, ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन हो रही बेअसर, तो क्या बूस्टर डोज बचाएगा जान? ये लगातार सवाल किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन का कोई असर नहीं हो रहा है और इसका समाधान है बूस्टर डोज, यानी कि तीसरा टीका. और साथ ही जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी कि आप मास्क पहनिए, आप शारीरिक दूरी बनाए रखिए, और भारत में तो चुनाव आ रहे हैं, तो शारीरिक दूरी तो बहुत दूर की बात है. तो ऐसे में जब विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार बूस्टर डोज की बात कर रहा है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार तीसरे डोज को लेकर क्यों कतरा रही है? क्योंकि आपके सामने खबर देखिए, पूरे स्क्रीन पर देखिए, भारत सरकार ने अब तक बूस्टर डोज पर मन नहीं बनाया है. मैं जानना चाहता हूं क्यों, क्या वजह है कि इस पर गंभीरता से चर्चा नहीं की जा रही, क्या वजह है कि अब तक आपका एक्सपर्ट्स पैनल जो है वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि इस देश की जनता को बूस्टर डोज देने की जरूरत है, खासकर तब जब ओमिक्रॉन अपना प्रभाव डालेगा. 2 मिनट के लिए मैं मान लूं कि ओमिक्रॉन का वैसा असर नहीं होगा जैसा डेल्टा वेरिएंट का हुआ था कोरोना की दूसरी लहर में, मान लिया. मगर आप जानते हैं दोस्तों, जब बड़े पैमाने पर यह फैलेगा, और यह डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक है इंफेक्शन को लेकर, फैलाव को लेकर, तो क्या आप जानते हैं कि इसका असर इकोनॉमिकली हम पर क्या पड़ने वाला है, आर्थिक तौर पर क्या पड़ेगा? एक बार फिर दफ्तर बंद करने पड़ेंगे, हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बंद करने पड़ेंगे, या कम से कम वहां पर जो है सख्त नियम लागू करने पड़ेंगे. तो आप समझ सकते हैं इससे क्या असर पड़ने वाला है देश पर. क्या आपको इस बात का आभास है? क्या आप अपनी सरकार से इस बारे में सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि सरकार का ही ध्यान नहीं है इस तरफ. और जब सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है, तो आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा. मास्क पहने रहिए, शारीरिक दूरी बनाए रखिए, और हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए. राजनीति से हम सैनिटाइज नहीं हो सकते, मगर कोरोना से जरूर हो सकते हैं. नमस्कार.